Hello and I welcome you all to FA with Love. I hope you all are doing well and preparing for your FCAT and CDS examination. In this video, I'm going to talk about FCAT 2 2022 notification, which has been released by Indian Air Force. And I'm going to tell you how to prepare for this examination and crack this examination within 90 days. So, tayari kaise karni hai, kahan se karni hai, all these things I'll be discussing in this video. So my name is Vivek Keshri and I have cleared various defense exam multiple times and recently I have scored 221 marks in my FCAT returns. So I'll be telling you the exact strategy. I'll be telling you about the notification. I'll be telling you about the vacancies. I'll be telling you about the eligibility criteria. What are the important dates? Kaise prepare karna hai? Un sari cheezon ka discussion karenge. Channel pe naye ho to channel ko subscribe kar lo and notification bell ko on kar lo. So let's get started. सो वी कैन सी इंडियन एयरफोर्स ने नोटिफिकेशन एक डाली थी. सो यू कैन अप्लाई फ्रॉम 1 जून एंड रजिस्ट्रेशन विल क्लोज ऑन 30 जून 2022. तो 11 बजे से अप्लाई कर सकते हो 1 जून से एंड 5 बजे रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगी 30 जून को. ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन, दिस इज़ अ मिनी नोटिफिकेशन. इसको हम मिनी नोटिफिकेशन बोलेंगे FCAT के लिए, FCAT 2022 के लिए. एंड वैकेंसीज तुम्हारी NCC स्पेशल एंट्री के लिए भी आएगी, प्लस मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के लिए भी आएगी. तो ये जो कोर्स है ये कमेंस होने वाला है जुलाई 2023 में. ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो इम्पोर्टेंट डेट्स क्या है, ये थोड़ा हमें ध्यान देना है. तो 19 मई को ये नोटिफिकेशन आई है. ठीक है, मिनी नोटिफिकेशन है. ऑफिशियल आएगी तुम्हारी 1 जून को 2022 में, मतलब इंडियन एयरफोर्स की वेबसाइट में आ जाएगी ऑफिशियल. ठीक है, और एप्लीकेशन स्टार्ट होगी 1 जून से, 1 जून 2022 से 11 बजे, और 30 जून 2022 5 बजे तक तुम अप्लाई कर सकते हो. मतलब 30 दिन का समय FCAT वाले देते हैं, हर बार ही यही देते हैं. ठीक है, फिर एग्ज़ाम कब होगा? एग्ज़ाम होगा तुम्हारे अगस्त 2022 में. अब मैं तुम्हें डेट भी बता देता हूँ, एक्सपेक्टेड डेट क्या है. एक्सपेक्टेड डेट होगा तुम्हारा वही 20 से मान लो 22 के बीच. लास्ट टाइम ऐसे ही हुआ था, ये एक्सपेक्टेड डेट हो सकता है अगस्त के. ठीक है, इसके थोड़े आगे पीछे भी हो सकता है, बट इसको तुम मान के चलो. ठीक, और वैकेंसीज अगर हम देखें, वैकेंसीज लास्ट टाइम 300+ वैकेंसीज थी, 314 थी आई गेस. ठीक है, तो अभी भी तुम्हारी उतनी ही आएंगी. अभी इन्होंने रिवील नहीं किया है कि कितनी वैकेंसीज है, बट वंस द ऑफिशियल नोटिफिकेशन कम देन यू विल बी एबल टू सी कि कितने वैकेंसीज हैं. तो 1 जून को हमें पता चल जाएगा कि कितने वैकेंसीज हैं. तो मैं तो यही अज्यूम कर रहा हूँ कि 300+ वैकेंसीज होंगे. ठीक है, तो सारे ब्रांच के लिए आएंगे, FCAT के लिए तो आएंगे ही, प्लस तुम्हारे फ्लाइंग, ग्राउंडेड टेक्निकल, ग्राउंडेड नॉन टेक्निकल, मेट्रोलॉजी, फ्लाइंग, सब के लिए आएंगे. ठीक है, तो ये तुम्हें देखना है. फिर एज लिमिट तुम्हें ध्यान देना है थोड़ा सा. फ्लाइंग ब्रांच के लिए 20 to 24 ईयर्स 1 जुलाई 2023 में से 2 जुलाई 1999. तो इफ़ यू आर बॉर्न बिटवीन दिस डेट 2 जुलाई 1999 टू 1 जुलाई 2003, देन यू कैन अप्लाई फॉर फ्लाइंग ब्रांच. एंड दोज हू आर हैविंग CPL कमर्शियल पायलट लाइसेंस है जिनके पास, तो उनके लिए ये डेट ऑफ बर्थ है 2 जुलाई 1997 टू 1 जुलाई 2003. और GD टेक और GD नॉन टेक के लिए है ये डेट 2 जुलाई 1997 टू 1 जुलाई 2003. तो ये ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट डेट्स है. अब देखो हाउ टू प्रिपेयर इन 90 डेज. 90 डेज में हम प्रिपेयर कैसे करें? तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है प्लानिंग, फिर एग्जीक्यूशन, देन हमें सक्सेस मिलती है. तो ये 3 स्टेप्स है, इसको तुम्हें ध्यान में रखना है कि तुम्हें प्लानिंग अच्छे से करना है कि तुम ये 90 डेज को कैसे प्लान करोगे, कैसे यूटिलाइज करोगे. यू हैव टू प्लान दैट. फिर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ एग्जीक्यूशन, तुम एक्शन कैसे ले रहे हो वो इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा. उसके बाद ही तुम्हें रिजल्ट मिलेगा. तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे तुम्हें प्लान करना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है, एंड कैसे तुम अचीव कर सकते हो द ड्रीम ऑफ अर्निंग द ब्लू यूनिफॉर्म. ठीक है, तो ये जो वीडियोस है, दिस वीडियोस माइट प्रूव बेनिफिशियल टू यू इन योर प्रिपरेशन. तो इन वीडियोस को तुम देख सकते हो, इनका मैं आई बटन में दे दूंगा लिंक, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, तुम इसको देख सकते हो. तो ये है रोड मैप वाली वीडियो, ये मैंने बनाई थी लगभग 1 महीने पहले. ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली तुम अपना प्लान बना सकते हो, एग्जीक्यूट करो, सक्सेस मिलेगा ज़रूर. ठीक
ठीक है। तो इसको ध्यान से देखना, एक एक पॉइंट को ध्यान से नोट करना, एक पेन एंड पेपर लेके बैठना, वरना तुम मिस आउट कर जाओगे इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो तुम्हें लगता है कि यूट्यूब पे मैं 1000 वीडियो देख लूंगा तो हो जाएगा, नहीं नहीं होगा। यू सी वन वीडियो, यू स्टिक टू इट, यू स्टिक टू द प्लान, यू मेक वन प्लान एंड स्टिक टू इट, ठीक है। ये करना है तुम्हें, फिर तुम्हें ये वीडियो देखना है, इसमें मैंने बहुत ही अच्छे से बता रखा है कि कौन सा सब्जेक्ट तुम्हें कैसे करना है, मैथ्स बीट, मैथ्स बीट, इंग्लिश बीट, रीजनिंग बीट, जीके, सब तुम्हें यहाँ पे पता चलेगा ये रोड मैप वाले वीडियो में, कैसे कैसे किस चीज़ों का ध्यान रखना है वो भी तुम्हें पता चलेगा। फिर वोकैबलरी, ये तो तुम्हारी टॉप नॉच होनी चाहिए। तो हम हर बार देखते हैं एफकैट में वोकैबलरी पूछी जाती है, 6 क्वेश्चंस एंटोनिम्स सिनोनिम्स के आते हैं, जो बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं कैंडिडेट्स के लिए क्योंकि वो पढ़ते ही नहीं है। तो ये वीडियो देखना, तुम्हें वोकैबलरी से कभी डर नहीं लगेगा। एंड CDS में भी देखते हो 30 क्वेश्चंस तुम्हारे वोकैब के आते हैं, NDA में भी देखते हो 30 क्वेश्चंस वोकैब के आते हैं। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इट्स एन एवरग्रीन वीडियो, हमेशा ये वीडियो हेल्प होगा। अगर तुम किसी भी प्रिपरेशन स्टेज में हो, ये हमेशा हेल्प होगा ये वीडियो से, तो ये देख लेना। फिर देखो, मैंने न्यूज़पेपर रीडिंग का इंपॉर्टेंस बताया है, तो ये चीज़ें तुम्हें यूट्यूब पे कोई नहीं बताते हैं। तो आई थॉट कि आई शुड मेक सम वीडियोस, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से तुम्हें बता रहा हूँ कि न्यूज़पेपर रीडिंग मस्ट है। तो इस वीडियो को अच्छे से देखना गाइस, एंड वोकैब तुम्हारा टॉप नॉच होना चाहिए। तो वोकैब और न्यूज़पेपर को तुम कैसे लिंक करोगे, तो इन दो वीडियो, पहले तो तुम ये वीडियो देख लेना रोड मैप वाली, उसके बाद तुम न्यूज़पेपर एंड वोकैब वाली वीडियो साथ में देखना, दोनों को लिंक करना कि कैसे मैंने चीज़ों को बोल रखा है एंड कैसे तुम चीज़ों को परफॉर्म करोगे इन द अपकमिंग डेज, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोज है ये, इनको स्किप मत करना। आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में होगा लिंक। फिर कुछ पोस्ट ऐसे हैं जो तुम्हें हेल्प कर सकते हैं प्रिपरेशन के दौरान, तो वो पोस्ट क्या है, ये जो पोस्ट है, ये पोस्ट तुम्हें पॉलिटी में हेल्प कर सकता है। तो ये जो पोस्ट है मैंने टेली पे भी डाल रखा है, टेलीग्राम पे भी और इंस्टाग्राम पे भी डाल रखा है @AFAWithLove, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, तुम जाके चेक कर लेना। टेली पे ज्वाइन हो जाना, टेली पे बहुत सारी PDF शेयर करते हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो भी कम्युनिकेट करना होता है वो शेयर कर देते हैं। तो मेक श्योर यू आर ऑन टेलीग्राम एंड इंस्टा पे फॉलो कर लेना ये इन्फॉर्मेटिव पोस्ट के लिए। तो ये जो पोस्ट है ये तुम्हें सही अप्रोच बताएगी कि तुम्हें इंडियन पॉलिटी कैसे पढ़ना है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि मैंने तुम्हें ये बुक दे दिया और बोल दिया कि तुम पढ़ लो, इट विल नॉट मेक एनी सेंस। तो यहाँ पे अच्छे से मैंने लिख रखा है, हैव पेन डाउन इंपॉर्टेंट थिंग्स, तो वो तुम्हें पता चलेगा। तो तुम कैप्शन पढ़ना इंस्टा पे जाके, यू विल कम टू नो, टेली पे भी डाल रखा है। फिर यहाँ पे तुम्हें मॉडर्न हिस्ट्री की इंपॉर्टेंस पता चलेगी, तुम्हें पता ही होगा मॉडर्न हिस्ट्री कितना इंपॉर्टेंट है बोथ एफकैट CDS और NDA में। तो मॉडर्न हिस्ट्री से लगभग 20 क्वेश्चंस अगर आ रहे हैं टोटल हिस्ट्री से, तो मॉडर्न हिस्ट्री से तुम्हारे इस बार 13 क्वेश्चंस आए थे CDS में। तो वही तुम अज्यूम कर सकते हो कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी से तुम्हें 20 क्वेश्चन आते हैं CDS में, और पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, सब इम्पॉर्टेंट है एफकैट के लिए। तो ये सारी चीज़ें आती ही है एफकैट में। तो GK का ऐसा है कि अगर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CDS तो वो एफकैट का हो जाता है। फिर ये वोकैबलरी वाली देख लेना, वोकैब वाली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई हैव शेयर्ड माई रिसोर्सेज हाउ आई प्रिपेयर्ड, ये वीडियो देख लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका कैप्शन पढ़ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर तुम न्यूज़पेपर से नोट्स कैसे लोगे, इसका कैप्शन देखना प्लस वीडियो देखना, दोनों देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिर योजना मैगजीन, ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारे करेंट अफेयर्स के लिए, तो इसको तुम्हें लिंक करना है, न्यूज़पेपर भी पढ़ना है, योजना भी देखना है, तो इसका तुम कैप्शन पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कैप्शन। मैंने वहाँ पे बता रखा है SSB इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इंपॉर्टेंट है, रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इंपॉर्टेंट है, FCAT, CDS, CAPF सबके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये। फिर वोकैबलरी देख लेना। तो अब ये है, तो ये सारी चीज़ें तो तुम देख लेना। अब नाउ द थिंग इज, आई कैन ऑल्सो हेल्प यू टू क्लियर दिस एग्जाम विद अ डिसेंट स्कोर। तो वी आर स्टार्टिंग द रजिस्ट्रेशन फॉर FCAT 2022 चार्ली बैच। तो अल्फा बैच एंड ब्रावो बैच तो फुल हो चुका है, वो तो ऑलरेडी चल रहा है, एंड बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया था चार्ली बैच के लिए एंड डेल्टा बैच के लिए, ठीक है। तो यू कैन सर्टेनली ज्वाइन दिस बैचेस, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है आज से ही, बहुत लोगों ने पहले ही रजिस्टर करा लिया बैच स्टार्ट करने के पहले, तो वो तो वेट ही नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो यू गाइज कैन ऑल्सो ज्वाइन द बैच, रजिस्ट्रेशन हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड एंड बैच तुम्हारा जल्दी ही स्टार्ट होगा, बैच विल स्टार्ट एज सून एज पॉसिबल। सो ट्राई टू रजिस्टर एज सून एज पॉसिबल इन द बैचेस, एंड सीट्स आर लिमिटेड,
जस्ट नो दैट सीट्स आर लिमिटेड, सीट्स लिमिटेड होते हैं एफए विद लव में, एंड आई फोकस ऑन ईच एंड एवरी कैंडिडेट पर्सनली. तो तुम मैसेज कर देना व्हाट्सएप एट 7278192926 फॉर ज्वाइनिंग, एंड यू कैन ऑल्सो बी वन अमॉन्ग देम. इनके तरह तुम भी हो सकते हो. सी, मैंने कुछ रिजल्ट यहाँ पर ले रखा है, ऐसा नहीं है कि मैं सारे रिजल्ट यहीं पर ले लूँ. तो सी क्लियर्ड, सी वॉज अ पार्ट ऑफ आवर बैच, सी क्लियर्ड एफकेट 122 विद अ डिसेंट स्कोर. फिर सी डी एस 122 की रिजल्ट आई अभी कुछ दिन पहले ही. सो ही क्लियर्ड फॉर OTA एंड INA एंड एफकेट 122 की रिजल्ट में तो लोगों ने क्लियर किया है, बहुत सारे लोगों ने क्लियर किया है. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ स्क्रीनशॉट ले रखा है, ज़्यादा तो नहीं ले सकता वरना वीडियो लंबा हो जाएगा. एंड तुम इनका फीडबैक भी चेक कर सकते हो, इसका फीडबैक, इसका फीडबैक, इसका फीडबैक, इसका फीडबैक. तो इनका फीडबैक यू कैन चेक फ्रॉम यूट्यूब चैनल ऑफ एफी विथ लव. प्लस तुम इंस्टा पे भी जा सकते हो एफी विथ लव के. तो यहाँ पे बहुत सारे फीडबैक्स हैं, यूट्यूब पे तो उतना डाल नहीं पाए हैं, बट जितने फीडबैक्स हैं वो तुम्हें यहाँ पे मिल जाएंगे. ये जो फीडबैक देख रहे हो यहाँ स्टोरी हाईलाइट पे, यू विल गेट फीडबैक. यहाँ से तुम फीडबैक पढ़ सकते हो, यहाँ से तुम रिजल्ट चेक कर सकते हो. ठीक है, तो सारा रिसर्च कर लेना, सारा रिसर्च कर लेना, एक बार देख लेना यहाँ पे. इफ यू आर सेटिस्फाइड देन यू कैन ज्वाइन द बैच. तुम बैच ज्वाइन कर सकते हो अगर तुम सेटिस्फाइड हो फीडबैक देख के. ठीक है, तो डेमो के लिए रिक्वेस्ट मत करना कि सर डेमो दे दो, कैसा पढ़ाते हो, कैसा नहीं पढ़ाते हो, हमें कैसे पता. तो इन सब दीज थिंग्स विल नॉट बी एंटरटेन्ड. ठीक है, तो जस्ट नो दैट इफ़ यू आर रेडी टू पुश योर लिमिट्स तब ज्वाइन करो. ठीक है, तो डेमो की कोई ज़रूरत नहीं है यार, तुम मेहनत करो अच्छे से, तुम्हारा हो जाएगा. ठीक है, सो जस्ट ट्रस्ट द प्लेटफॉर्म. इतने सारे लोगों ने ट्रस्ट किया है, उनका फीडबैक है, तुम पढ़ो. ऐसे ही उनका एग्ज़ाम नहीं क्लियर हुआ है. ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो बात है, इसीलिए क्लियर हुआ है. एंड डू फॉलो ऑन इंस्टाग्राम, इंस्टा पे फॉलो करना एंड मेक इट 10K, जल्दी से इसको 10K बनाओ. ठीक है, एंड फोर्थ कमिंग वीडियोज़ जो आने वाली है चैनल में वो है तुम्हारी करंट अफेयर्स से रिलेटेड, कैसे पढ़ना है करंट अफेयर्स को, कहाँ से पढ़ना है, कितने महीनों का पढ़ना है, वो मैं तुम्हें फोर्थ कमिंग लेक्चर्स में बताऊँगा. और नेक्स्ट जो है वो है सेल्फ स्टडी प्लान फॉर FKT 2022, ये भी मैं तुम्हें बताऊँगा कि घर पे तैयारी कैसे करें. देखो भाई, एक बात को समझना ध्यान से, तुम चाहे कहीं से भी पढ़ो, तुम चाहे मेरे से पढ़ो या फिर किसी और से पढ़ो, लेकिन ये बहुत ज़रूरी वीडियो होगा तुम्हारे लिए. सेल्फ स्टडी प्लान सबसे इम्पॉर्टेंट है, कोचिंग तो ज़रूरी है आई नो दैट, बट सेल्फ स्टडी प्लान जो होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है एक कैंडिडेट के सिलेक्शन में. तो सेल्फ स्टडी प्लान वाली वीडियो स्किप मत करना एंड इसको अच्छे से देखना, सो दैट यू कैन गेन मैक्सिमम आउट ऑफ इट एंड यू कैन इम्प्रूव योर, इंक्रीज योर चांस ऑफ सिलेक्शन इन FKT 2022. ठीक है गाइस, तो दैट वॉज इट from my end. So subscribe to the channel for more informative contents, and till then all the best. Thank you and Jai Hind.